फैमिली कैसे है आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं डीएम टू डीएफ एंड कार्मिक, तो सारे कार्ड मिक्स करके यूज करेंगे और देखेंगे कि डीएम क्या कहना चाह रहे हैं डीएफ को, क्या सोच रहे हैं डीएफ के बारे में, क्या सोच रहे हैं डीएम कार्मिक के बारे में। तो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या मैसेजेस दे रहे हैं और क्या एक्शन लेने वाले, हम सब देखने वाले गाइस आज की रीडिंग में। तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को गाइस। ऑल्सो अगर आप रीडिंग हीलिंग या जो भी लेना चाहते हैं आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे नंबर आपको मिल गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखते हैं गाइस क्या सोच रहे हैं आपके डीएम आपके बारे में। सबसे पहले तो ये हुआ गाइस डीएम डीएफ के बारे में क्या सोच रहे हैं, और देखते हैं गाइस डीएम कार्मिक्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। माय डियर डीएफ, मुझे आज कुछ स्पेशल पता चला कि आज जो ट्रिगर होने का दिन था वो डीएम्स का ट्रिगर होने का दिन था। तो मैं जब कल डीएम एनर्जी में थी तो काफी ज्यादा ट्रिगर हो गई थी मैं। डीएफ के लिए बहुत अच्छा दिन रहा होगा, डीएफ को कोई ट्रिगर नहीं मिला होगा, डीएफ का दिन शांति से गया होगा क्योंकि इतने सालों से डीएफ ने ही ट्रिगर फेस किया और डीएम आराम से जी रहे थे। तो इस बार ये डीएम्स के लिए था कि वो ट्रिगर हो जाए और उनके सारे प्रॉब्लम सरफेस पे आ जाए। देखते हैं गाइस, अगर आप डीएम एनर्जी में चले गए थे तो पूरे चांसेस है कि आज आप बहुत ज्यादा ट्रिगर हुए होंगे। देखते हैं डीएम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं गाइस, फील क्या कर रहे हैं डीएम्स डीएफ के बारे में, ये देखने वाले हैं हम। फिलहाल थिंकिंग हो गया था हमारा, अब हम फीलिंग पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और देखते हैं गाइस डीएम क्या फील कर रहे हैं कार्मिक्स के लिए। काफी ज्यादा कार्ड्स कार्मिक्स के लिए भी निकल आए हैं और फिर मैसेजेस और ये सब हम देखेंगे गाइस एज द वीडियो गोज ऑन। तो सबसे पहले मैं डीएम टू डीएफ ही लूंगी एज यू ऑल नो। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं डीएम डीएफ के बारे में, फिर फीलिंग पे जाएंगे। डीएम बहुत ज्यादा जिद्दी हुए पड़े हैं गाइस, बहुत ही ज्यादा मतलब सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज्यादा, पर बहुत ही प्राइसी एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि ये तो मेरे इसमें ही होगी, अभी तक मुझे याद करती होगी, अभी तक मेरे प्यार में पागल होगी, तब मैं कोई ना एक्शन लूँ, वो जब आएगी तभी मैं बात करूंगा। और आप जब नहीं आ रहे हो तो उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बट वो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आप वो जो भी हो, आप जैसे भी हो, उनको ये गलतफहमी अभी भी है कि आप उनके ट्रैप में हो। कहीं ना कहीं गाइस मैं ट्रैप इसलिए बोल रही हूँ, उनको ऐसा लग रहा है कि जब वो आपको कॉल करेंगे आप सब वल्नरेबल हो जाएंगे। देखिए गाइस ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अब वो जैसे ही आपको कॉल करेंगे आपसे बात करना चालू करेंगे, आप नॉर्मली उनसे बात कर लोगे और सब कुछ सही हो जाएगा। तो वो अपना टाइम ले रहे हैं, स्वीट टाइम, अंदर से उनको हलचल हो रही है कि ये मुझे कॉल क्यों नहीं कर रही, लेकिन फिर इनका जिद्दी दिमाग जो है बोल रहा है कि क्या बात है, जब हम कॉल करेंगे तब वो बात कर लेगी ना, तो क्या टेंशन करना। और ये आपके लिए आज बहुत ज्यादा ट्रिगरिंग हो सकता है। कहीं ना कहीं गाइस डीएम डीएफ को कुछ फ्रेंडशिप ऑफर करना चाह रहे हैं क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा पावरफुल देख रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके लिए अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, आपको आके अप्रोच करना चाह रहे हैं, ये नर्चरिंग एनर्जी वो चाह रहे हैं, लेकिन इनका जो जिद्दी दिमाग है बोल रहा है नहीं नहीं जब हम लोग रेडी होंगे तब जाएंगे। तो बहुत ज्यादा अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, उल्टे सीधे ख्याल उनके दिमाग में बहुत आ रहे हैं, बट उनका जो माइंड है वो बहुत ही अलग तरीके से चलता है। तो उनको लगता है कि हाँ हम लोग वेट कर सकते हैं, हम लोग जितना चाहे उतना वेट करा सकते हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है, ये उनको पता चल जाएगा बहुत ही जल्द। क्योंकि जब वो देखेंगे कि डीएफ टोटली मूव ऑन कर चुकी है, जब वो कॉल किए तब वो समझेंगे कि हम लोग जो है बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा प्यार, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं गाइस इनको लग रहा है कि हमारी जगह चेंज हो गई है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया है, बात नहीं कर पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे ज़्यादा, प्लस कार्मिक भी है, प्लस अगर इससे बात करूंगा तो कार्मिक बिगड़ जाएगी, फिर उसके साथ झगड़े करने पड़ेंगे। बट वो सोच रहे कि फ्यूचर में डेस्टिनी में होगा तो मिलेगी,
मोस्टली उनको अभी तक तो लग ही चुका है कि डेस्टिनी में है और यही कनेक्शन है कि जो डेस्टिन्ड है, पर तभी भी सोच रहे जब भगवान करेंगे तब, जब ये आएगी तब बात करेंगे, मैं क्यों पहले अप्रोच करूं, मैं क्यों ऐसे, मैं क्यों वैसे। तो ये है गाइस डीएम की असली यक्त, ठीक है। और कार्मिक्स के लिए देखते हैं उनकी क्या सोच है अभी फिलहाल। डीएम्स के लिए तो देख चुके, हार्ट ब्रोकन है गाइस, उनको ऐसा लग रहा है कि डीएफ ने मतलब कार्मिक ने उनको बहुत बड़ा चीट किया है, बट प्यार का नाटक किया है उनके साथ, पर जो है वो असली में उनको बहुत सिर्फ एंजाइटी देते हैं, पर उनको छोड़ नहीं पाते बिकॉज वो ऑब्सेस्ड है उनसे, उनका पावर देख के ऑब्सेस्ड है। उनको डीएफ बिल्कुल भी पावरफुल नहीं लगती है, ठीक है। उनको जो है डीएफ बहुत ज़्यादा नर्चरिंग और केयरिंग रखती है, और डीएम को जो है कहीं ना कहीं पावर की ज़रूरत है। सोच रहे अपने लव में नई बिगिनिंग कर ले, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर ले, लेकिन फिर भी डरते हैं कि कार्मिक इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो कोई तमाशा ना कर बैठे। इसको स्टेबिलिटी फील कराना ज़रूरी है, वरना मेरी लाइफ की बैंड बज सकती है, कहीं ना कहीं वो यही सोच रहे हैं इसीलिए। लेकिन वो बार बार आना चाह रहे हैं डीएफ के पास, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो अब वो क्रिएट करना ही चाह रहे हैं, लेकिन डर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कार्मिक्स से। और देखते हैं गाइस क्या निकल के आता है अब। थिंकिंग तो हो गया है, अब फीलिंग देख लेते हैं। तो फीलिंग में उनको ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ लाइक करते हैं, लेकिन वो इतना लाइक नहीं करते कि वो उनके साथ पूरी जिंदगी बिता सके अब। और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट, इसलिए वो अकेले रहना पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं कार्मिक उनको उनकी वर्थ दिखा देती है कि आप किसी के लायक नहीं हो, आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाते हो, देखो इसको देखो उसको, वो ज़्यादा अचीव कर लेते हैं, आप कोई मेहनत नहीं करते, सिर्फ अच्छे दिनों का इंतज़ार करते हो, सिर्फ पॉजिटिव होप में रहते हो, क्या हो गया है तुमको, और पहले तुम मदद करते मेहनत करते थे, मदद करते थे, अब तुम बिल्कुल बदल गए हो। ये सब बातें जो है कार्मिक सुनाती है उनको, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अकेले रहना पसंद करते हैं रादर देन कि वो डीएफ के साथ बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि डीएफ कार्मिक जो है उनके सिर्फ खामियां निकाल रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरे को आज बोलने में इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा है बिकॉज डीएम जो है बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज है, और बहुत ज़्यादा मतलब उनसे बोला नहीं जा रहा है क्योंकि उनको इतना सुनाया जा रहा है, वो इतने डिफेंसिव है, उनका हार्ट भर चुका है दुख और तकलीफ़ों से, लेकिन उनका दिमाग जो है ईगो को छोड़ता नहीं। जैसे हम बोलते हैं जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, यही है गाइस डीएम की असलियत। तो चाहे कितना भी उनको रगड़ाया जा रहा हो वहाँ पे, तभी भी उनका दिल टूट चुका है, ब्रेकडाउन हो चुके हैं, अकेले पड़ चुके हैं, लेकिन तभी भी सोच रहे कि डीएफ आके बात करेगी तो मैं बात करूंगा। तो ये वाला सिचुएशन है आज हमारे डीएम का। आगे देखेंगे कल गाइस, कल परसों क्या होता है, और ये 88 पोर्टल ख़त्म होने के बाद क्या होता है। फिर मिलेंगे गाइस नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।